ये चुरू लोकसभा क्षेत्र की जनता एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलने देगा, बिल्कुल चलने नहीं देगा। साथियों, तारानगर से शुरू हुआ और यह युद्ध पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए। ये शेर है शेर, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। कांटा निकाल दोगे। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। काम कर दोगे, काम कर दोगे, सब ऊंचे हाथ करके बताओ काम कर दोगे। ये देख लो अशोक जी, रंधावा साहब, ये सब लोग तैयार हैं। एक युद्ध इन्होंने लड़ा था, इसे लोकसभा क्षेत्र ने, दूसरा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है ये जनता। ये चुरू लोकसभा क्षेत्र की जनता एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलने देगा, बिल्कुल चलने नहीं देगा। साथियों, तारानगर से शुरू हुआ और यह युद्ध पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए। आपने जो लड़ाई लड़ी वो ताकत के साथ लड़ी, और ये लड़ाई आपको और लड़नी पड़ेगी। साथियों, क्या हम लोग किसी एक व्यक्ति के कहने से जिंदा रहेंगे? अरे रहेंगे, मेरे कहने से रहोगे, मेरे कहने से चलोगे, मेरे कहने से आप सब कुछ करोगे, क्या सहन करने वाले हो आप लोग? शेर है मेरी जनता, ये शेर है शेर, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। कांटा निकाल दोगे। ये सब तैयार है मेरी फौज, ये लोकसभा क्षेत्र की फौज सारी की सारी तैयार है। राहुल कस्वा जी को ये लोकसभा क्षेत्र इतने वोटों से जिता के भेजेगा कि मोदी जी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। जो किसानों पे, नौजवानों पे जो जुल्म ढाए हैं, ये सारा का सारा बदला लेंगे। साथियों, अशोक गहलोत जी हमारे बीच में बैठे हैं, अरे इनकी योजनाएं याद आ रही है कि नहीं? अरे इनकी योजनाओं की बात कर रहे हैं कि नहीं लोग? साथियों, सारी की सारी हमारी योजनाओं पे पानी फेर दिया, लेकिन लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमें लड़ाई शुरुआत की है। मैं कहना चाहता हूं गहलोत साहब को, रंधावा साहब को, कि ये पहला मौका है कि चुरू लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस एक मंच के ऊपर विराजमान है, एक मंच पे विराजमान है। मैंने बहुत चुनाव लड़े, दो तीन दिन चार दिन तो मनाने में लगते, हाथ जोड़ने पड़ते, लेकिन इस चुनाव के अंदर हम सब लोग आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से, हम सब लोग एक होकर के काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप 19 तारीख को, एक बात कहना चाहता हूं, ये जन सैलाब, मैं भी 2.5 घंटे से पहुंचा हूं आपके बीच में, आप देख लीजिए कितने लोग सड़कों के ऊपर हैं। साथियों, आज का ये ट्रेलर परिणाम में बदलना चाहिए, परिणाम में बदलना चाहिए ट्रेलर। कल कुछ लोग रो रहे थे यहां पे,
कुछ लोग सफाई दे रहे थे। अरे ये सफाई चलने वाली नहीं है, ये सफाई समझ गए। 40 साल से ये चुरू लोकसभा क्षेत्र झेल रहा है, अब ये झेलने वाला नहीं है। अरे तारानगर में नहीं, चुरू लोकसभा क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में जगह नहीं मिलेगी बैठने को। यही बात कहना चाहता हूं साथियों। एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं, ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई को ताकत से लड़ना है। लड़ोगे कि नहीं? ताकत से लड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।